अगवाड़ा में हत्या और 40 से अधिक वाहनों के चोरी करने वाले अंतरराज्यीय 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से ₹6.40 लाख का सोना चांदी नकदी स्विफ्ट कार समेत कुल 12.20 लाख का सामान बरामद किया गया। धर्मपुर विल्सन हिल पर बाइक सवारों ने स्टंट किया तो खैर नहीं, पुलिस की चेतावनी। स्टंट करते दिखे तो होगी सख्त कार्रवाई, जैसा एसपी डॉक्टर करण राज वाघेला ने बताया। पारड़ी तिगरा के दीपक कुमार देसाई को हीरो धीरज कुमार, दिलीप सैन, एसीपी संजय पाटिल ने बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया। दीपक कुमार देसाई को दीप प्रागट्य के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया, मशहूर हस्तियों के साथ मंच की शोभा बढ़ाई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बगवाड़ा में हत्या और 40 से अधिक वाहनों की चोरी करने वाले अंतरराज्यीय 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। वलसाड जिले के एसपी डॉक्टर करण राज वाघेला के मार्गदर्शन में वलसाड एलसीबी की टीम ने बगवाड़ा के पास एक बंगले में लूट के इरादे से जमा हुए लुटेरों के गैंग के 6 सदस्यों को धारदार हथियारों और सोने चांदी के जत्थे के साथ पकड़ा, जिससे पारड़ी पुलिस स्टेशन और वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन का मामला सुलझा। वलसाड जिला लोकल क्राइम ब्रांच को मिली सूचना के आधार पर एक स्विफ्ट कार में कुछ लोग लूट के इरादे से बगवाड़ा क्षेत्र में घूम रहे थे। पुलिस ने वॉच लगाकर उस कार को रोका और तलाशी लेने पर उसमें से धारदार हथियार, सोने चांदी के गहने, वजन कांटा, जियो राउटर और पेनड्राइव सहित कई चीजें मिली। कार में सवार 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज है, जिनमें से एक 40 फोर व्हीलर कारों की चोरी में शामिल आरोपी है और दूसरा ट्रिपल मर्डर केस में शामिल आरोपी है। पुलिस ने दिनेश जगदीश प्रसाद, गोपीलाल माली जोधपुर, गोविंद किशनलाल मेघवाल नागौर राजस्थान, राजेंद्र रोगनाथ बावरी विजयनगर राजस्थान, धनराज कैलाश बलाई अजमेर राजस्थान, कालू लाल राम बावरी राजस्थान, मुकेश मोहनलाल मेघवाल राजस्थान की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने उनके पास से 6.40 लाख रुपए की कीमत का सोना, 45,324 रुपए की कीमत की चांदी, एक स्विफ्ट कार जिसकी कीमत 5 लाख रुपए नकद, 10,960 रुपए, 4 मोबाइल फोन, लोहे की रॉड, घातक हथियार, पेनड्राइव सहित कुल 12,20,340 रुपए का माल कब्जे में लिया है। यहां ध्यान देने योग्य है कि गिरफ्तार आरोपियों में से मुकेश मोहनलाल मेघवाल ने स्वीकार किया है कि वह राजस्थान में 40 से अधिक फोर व्हीलर चोरी के मामलों में पकड़ा गया है, जबकि दिनेश जगदीश प्रसाद माली राजस्थान के भिलारा पुलिस स्टेशन के ट्रिपल मर्डर केस में पहले ही पकड़ा जा चुका है। इस तरह वलसाड जिला एलसीबी ने जिले में धारपाड़ू गैंग की धाड़ लूट को अंजाम देने से पहले ही उन्हें पारड़ी तालुका के बगवाड़ा के पास से पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वलसाड जिला पुलिस क्राइम ब्रांच ने खूब मोटी सफलता अंतरराज्य धारपाड़ू ने लूट करती और घरफोड़ करती गैंग ने पकड़वामां सफलता मळी छे। वलसाड जिल्लाना क्राइम ब्रांचना सहदेव सिंह और कुलदीप सिंह जे बे पुलिसकर्मीओ छे, एमने जे एक पाकी बातमी मळी हती के पारड़ी पोलिस स्टेशन जे बगवाड़ा विस्तार छे एमां एक आरजे पासिंग गाड़ी छे, एमां शंकास्पद ईसमो कंईक गैरकायदेसर प्रवृत्ति करवा माटे आव्या छे, ए पाकी बातमी आधार क्राइम ब्रांच पी आई उत्सव बारोट अने एमनी आखी टीम अलग अलग टीमो आ गाड़ीने पकड़ी पाड़वा माटे लागी गयेली हती। ગાડીને પકડી પાડવામાં સ્વિફ્ટ ગાડી જે છે આરજે પાસિંગને પકડી પાડવામાં સફળતા મળી હતી અને ગાડીમાં જે 6 વ્યક્તિઓ હતા એમની અંગજળતી કરતા અને ગાડીને પૂરેપૂરી તપાસ કરતા અંગજળતીમાં પોતાના પેન્ટના ખિસ્સામાં સોય દોરાથી સીવેલા એવા 88 થી 89 ગ્રામ સોનું, 500 ગ્રામ ચાંદી એમની અંગજળતીમાંથી મળ્યા છે અને સાથે સાથે એમની પાસેથી રોકડા 11,000 રૂપિયા મળ્યા છે, ટોટલ 4 મોબાઈલ 20,000 રૂપિયાના મળ્યા છે અને આની સાથે સાથે ઘરફોડ કરવા માટે અને લોકોને મારી નાખવા માટે જે સાધનો ઉપયોગ કરી શકાય એવા છરી, સળિયા, પાઇપો, જે ઘરના નકુચા તોડવા માટેના જે
साधनों से ए स्क्रू ड्राइवर टॉर्च बधी ज वस्तु रात्रि दरमियान गड़बड़ करवा माटे उपयोग में करवा माटे तमाम साधनों एमनी पासेथी मळी आव्या छे। एक खूब मोटी सफलता क्राइम ब्रांच ने आ गैंग पकड़वामां मळी छे सफलता। आ तमाम आरोपी ने जो बात करिए तो आरोपी दिनेश जगदीश माली ए पाली जिल्लानो छे, गोविंद मेघवाल नागौर जिल्लानो छे, राजेंद्र बावरी ए ब्यावर राजस्थाननो वतनी छे, धनराज छे ए पण ब्यावर राजस्थाननो वतनी छे, अने काळू बावरी ए जिल्ला टोंकनो वतनी छे, अने एक मुकेश मेघवाल छे ए पाली जिल्लानो छे। दिनेश, गोविंद अने मुकेश आ त्रणे त्रण आरोपीओ एकबीजाने ओळखे छे, अने ગોવિંદના કહેવાથી રાજેન્દ્ર ધનરાજને કાળું આ બીજા ત્રણ આરોપીઓ આ લોકો સાથે આ ગેંગમાં જોડાયેલા હતા। દિનેશ, ગોવિંદ અને મુકેશ આ ત્રણે ત્રણનો ખૂબ જ મોટો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે। દિનેશ ગત વર્ષે 2022માં જ મર્ડર કેસમાં 13 વર્ષની સજા કાપીને છૂટેલો છે। એની વિરુદ્ધમાં 3 જેટલા મર્ડરના ગુનાઓ છે અને સાથે સાથે અસંખ્ય ઘરફોડ ચોરીઓ અને લૂંટના 10થી વધુ ગુનાઓ છે। એ જ રીતે ગોવિંદ ઉપર પણ 7થી 8 જેટલા ઘરફોડ અને લૂંટના ગુનાઓ છે, અને એ જ રીતે મુકેશ ઉપર પણ અસંખ્ય વાહન ચોરીના એના પૂછપરછ પ્રમાણે 40 જેટલી વાહન ચોરીમાં અગાઉ પકડાયેલો છે રાજસ્થાનમાં, અને સાથે સાથે 7 જેટલી લૂંટ અને ગરફોડમાં એ પકડાયેલો છે। દિનેશ, ગોવિંદ અને મુકેશે પ્લાન કરીને અન્ય 3 આરોપીને બોલાવીને આ લોકોએ અજમેરથી 20 જૂનની આસપાસ એમની આ સફળ શરૂઆત કરેલી હતી। ધરમપુર વલસાડ હિલ પર બાઇક સવારોને યદિ સ્ટંટ કિયા તો ઉનકી ખેર નહીં धर्मपुर में स्थित विल्सन हिल पर्यटन स्थल पर बाइक राइडर्स द्वारा स्टंटबाजी करने से पहले अब सावधान हो जाए, वलसाड पुलिस ने लाल आंख कर दी है। अब अगर कोई भी स्टंट करते हुए नजर आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वलसाड जिले के DSP डॉक्टर करण राज वाघेला ने धर्मपुर में लोक दरबार आयोजित कर धर्मपुर और आसपास के गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, सिलवासा से आने वाले पर्यटकों के लिए एक कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। घूमने आने वाले पर्यटकों में से कुछ बाइक चालक विल्सन हिल पर आकर विल्सन हिल की घाटी क्षेत्र की सड़कों पर और विल्सन हिल के टेबल पॉइंट पर स्टंट करते हैं, जो खुद के लिए और आने वाले पर्यटकों के लिए भी जोखिम भरा कहा जा सकता है। इस कारण से अब आने वाले दिनों में विल्सन हिल पर CCTV कैमरे के साथ साथ पुलिस की सघन जांच और पुलिस चौकी और बैरिकेड्स लगाकर 24 घंटे पुलिस रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे ऐसे पर्यटन स्थल पर स्टंटबाजी करने वाले स्टंटबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। छेल्ला 4 दिवस थी धरमपुर पुलिस ने वार्षिक इंस्पेक्शन अनुसंधाने धरमपुर विस्तार अलग अलग गामडाओं की अमे मुलाकात लीधी थी। ए अनुसंधाने अलग अलग गामडाओं में लोकदरबार पण लीधेला हता। धरमपुर टाउन ना लोकदरबार में पण आ एक प्रश्न हतो, जे विल्सन हिल उपर आवता यात्रीओ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक बहु मोटू छे आपणा जिल्लानुं, वलसाड जिल्लानुं, अने मोटी संख्या में मुंबई, पुना, सेलवास, दमन अने सूरत ने आसपासना जिल्लाओमांथी लोकोने फरवा आवता होय छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन उपर। आ डेस्टिनेशन उपर लोकोने अगवडता ना पड़े अने ट्राफिकनो नियमनो जळवाय एना माटे गत वर्षनी जेम आ वर्षे पण आ वर्ष पण धरमपुर पोलीस स्टेशन ने आसपासना पोलीसनो स्टाफ एकठो करीने एक अलायदी ट्राफिक नियमन माटेनी स्कीम समग्र रोड उपर इम्प्लिमेंट करवामां आवशे। आ ट्राफिक नियमन स्कीम में ट्राफिकना माणसोनो पण उपयोग करवामां आवशे। લોકો જે આવી રહ્યા છે એમાં ઘણા બધા એવા ઇન્સિડન્સીસ બનતા હોય છે, જેમાં ટુ વ્હીલર ઉપર લોકો બાઇક પર સ્ટંટ કરતા હોય છે એ પર્વતાળ રસ્તા ઉપર, અને સાથે સાથે અમુક કિસ્સા એવા પણ આવે છે કે અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા લોકો ડ્રિંક્સ કરીને આવતા હોય છે। આ બંને જે પ્રવૃત્તિઓ, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને નાબૂદ કરવા માટે આગામી દિવસોમાં ત્યાં વીકેન્ડ ઉપર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલાયદી સ્કવોડ્સ પણ ખાનગી કપડામાં તૈનાત કરવામાં આવશે। ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવના વધુમાં વધુ કેસો કરવામાં આવશે, અને જે લોકો ડ્રિંક કરીને આવતા હશે એની વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે, અને એની સાથે સાથે ટ્રાફિકના માણસો દ્વારા લાઇસન્સ વગર આવતા અને એની સાથે સાથે જે માઇનોર છોકરાઓ બાઇકો લઈને રખડતા આવતા હોય છે, જે ભારે બાઇકો લઈને, એવા લોકો ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। મીડિયા મિત્રોના માધ્યમથી હું વલસાડની તમામ પ્રજાજનો અને સાથે સાથે અન્ય તમામ ટુરિસ્ટને હું નમ્ર વિનંતી કરીશ કે આ ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન એક હિલ સ્ટેશન જેવું છે, રસ્તા પર્વતાળ છે અને વરસાદના સમયમાં રસ્તા ઉપર બાઇક સ્લીપ થઈ જવાની પણ શક્યતાઓ રહેલી છે, તો આપ આપના અને આપના પરિવારના સભ્યોની સલામતી અને સાવચેતી પણ સાથે રાખશો, અને સાથે સાથે ગુજરાત રાજ્ય છે એ પ્રોહિબિશનવાળું રાજ્ય છે, અને નશાબંધી જે છે એનાથી તમામ રીતે ગુજરાત પોલીસ છે એના કડક અમલીકરણ માટે
પ્રવૃત્ત છે અને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ પણ એનો કડક હાથે કોઈ પણ અસામાજિક કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરતા વ્યક્તિઓ પર કાયદેસર કાર્યવાહી કરશે. पारडी तिघरा के दीपक कुमार देसाई को हीरो धीरज कुमार, दिलीप सेन, एसीपी संजय पाटिल ने बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया. मुंबई अंधेरी मेयर्स हॉल में डॉक्टर कृष्णा चौहान द्वारा आयोजित बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2024 समारोह का आयोजन किया गया था. इस अवार्ड समारोह में बॉलीवुड के प्रसिद्ध हीरो, निर्माता, निर्देशक धीरज कुमार, संगीतकार दिलीप सेन, मुंबई शहर एसीपी संजय पाटिल, प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील पाल आदि नामी हस्तियां उपस्थित थे. इस अवार्ड समारोह में दीपक कुमार देसाई को दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया और नामी हस्तियों के साथ मंच की शोभा बढ़ाई गई. इसके साथ ही पारडी तालुका के दीपक कुमार, गुलाब भाई देसाई को हीरो, धीरज कुमार, एसीपी संजय पाटिल, संगीतकार दिलीप सेन द्वारा लगातार दूसरे वर्ष बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड प्राप्त हुआ. दीपक कुमार देसाई द्वारा आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लिखित पुस्तक के लिए धीरज कुमार और नामी हस्तियों ने शुभकामनाएं भी भेजी. गुजरात से आए हुए दीपक देसाई, दीपक जी का सम्मान बहुत अच्छा. दीपक भाई, दीपक जी की किताब आ रही है बहुत अच्छी, थैंक यू. असंता नस्कार यादव, आपको कुछ बोलना है? जी, हेलो. आज मैं जो स्टेज पर खड़ा हूँ और ये अवार्ड ले रहा हूँ, ये इसका श्रेय श्री सुनील पाल जी को जाता है, क्योंकि मेरी पहली किताब उन्होंने प्रकाशित की थी और ये अवार्ड में अपने चरित्र हीरो श्री धीरज कुमार जी के रास्ते मिला, उसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ. आप सब और संजय जी को मेरे एक निवेदन है कि अभी अभी श्री संजय पाटिल सर ने मेरी किताब के लिए जो प्रशंसा वीडियो संदेश में भेजा था वो ऑडियो पब्लिक को सुनाइए. आज बड़ा अच्छा लगा जो दीपक ने इतनी दिलचस्प बातें कही, शायद मैं भी भूल सा गया था, बहुत साल गुजर चुके हैं इसके. मनोज कुमार जी अगर मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं और रहेंगे, और गुरु हैं और रहेंगे. दीपक भाई, आप कुछ कहेंगे? मैं डॉक्टर कृष्णा चौहान का बहुत आभारी हूँ और साथ में सभी मेहमान घर और आयुर्वेदा का भी आभारी हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ. और कृष्णा चौहान ऐसे ही अवार्ड समारोह करते रहे और सभी प्रतिभाओं को ऐसे ही है. मैंने सुना है कि आप धीरज कुमार जी के लिए आप कुछ लिखकर आए हैं. धीरज जी, आप जानते हैं दीपक भाई बहुत अच्छे, ये इन्होंने अपनी मोदी जी को एक किताब लिखी है, ये जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है, तो ये धीरज जी के ऊपर आपके ऊपर कुछ लिखकर आए हैं. ऐसे हमारे चहेते धीरज कुमार जी, लेजेंडरी हीरो निर्माता निर्देशक धीरज कुमार जी आज हमारे बीच में है, हम उन्हें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है और ये खुशनसीबी हर वक्त बनी रहे मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, जोरदार तालियां दीपक भाई के लिए बजाया जाए. मुझे खुशी है कि बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2024 मुझे अभी प्राप्त हुआ है. फिल्म इंडस्ट्री के प्रख्यात हीरो धीरज कुमार, एसीपी संजय पाटिल, संगीतकार दिलीप सेन,
सुनील पाल के हाथों मुझे अवार्ड मिला है और मुझे खुशी है कि लगातार 2 साल से मुझे अवार्ड ये प्राप्त हुआ है। और डॉक्टर कृष्णा चौहान अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए प्रतिभाओं को ऐसे अवार्ड देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए सभी नामी हस्तियों ने इनकी प्रशंसा की है कि ये अवार्ड समारोह में मुझे दीप प्रागट्य का सौभाग्य प्राप्त तो हुआ और धीरज कुमार जैसे बड़ी हस्तियों के साथ स्टेज शेयर करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने चरित्र हीरो धीरज कुमार के बारे में बोलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मेरी आने वाली पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आने वाली पुस्तक के लिए सभी नामी हस्तियों ने मेरे मुझे अभिनंदन दिया और शुभकामनाएं दी है और मैं अवार्ड के लिए डॉक्टर कृष्णा चौहान, श्री संजय पाटिल, श्री संजय अमान जी, श्री सुनील पाल और देवज कुमार जी का आभारी हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। वरदान पालिका की सामान्य सभा में अवैध निर्माण और भूतिया पानी कनेक्शन के मुद्दे पर सभा गरमाई। उमरगाम नगर पालिका की सामान्य सभा प्रमुख मनीष राय की अगुवाई में हुई थी। इस सभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों पर चर्चा की गई थी। विपक्ष के एक सदस्य ने लाखों रुपए के भुगतान को लेकर प्रस्ताव रखा और विकास कार्यों में पक्षपात का आरोप लगाया। उमरगाम पालिका में पहले ब्लैकलिस्ट की गई एजेंसी के बिल भुगतान को लेकर फिर से मन परिवर्तन की बात चर्चा में आई थी। पानी के टैक्स को आगामी अप्रैल महीने से 2 गुना करने के लिए चर्चा की गई थी। उमरगाम पालिका के वार्ड में भूतिया पानी कनेक्शन और अवैध निर्माण के मामले में जिम्मेदार कौन है, इस प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी। पालिका के चीफ ऑफिसर द्वारा 70% अवैध निर्माण कार्यों के वर्षों से होने की बात कहते हुए सभा में सोपा पड़ गया था। 10 करोड़ ना कामों आयोजन अत्यारे आज की सभा में 10 करोड़ रुपया आयोजन करवाना है अने अत्यार सुधी में लगभग 30 करोड़ नु काम अत्यारे चाली रही है। ये तो पार्ट पेमेंट अपाई है, जेटलू काम खेचाय है हिसाब से पेमेंट अपाई है। भाई पाछळ आपने दर महीने लगभग 12-14 लाख रुपया नो खर्चो करिए। बलसाड धरमपुर रोड पर स्थित ऑरिजन हार्डवेयर में एक ग्राहक द्वारा मंगवाई गई रोटी में से बाहर निकलने का वीडियो वायरल हो गया। वलसाड धरमपुर रोड पर स्थित ऑरिजन होटल में रोटी से बाल निकलने की घटना से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होने की चर्चा जोरों पर है। ग्राहक द्वारा मंगवाई गई रोटी से बाल निकला था, तब इस घटना का वीडियो ग्राहक द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पहले भी ऑरिजन होटल विवादों में आ चुका है। लोगों में यह चर्चा है कि आरोग्य विभाग द्वारा ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले होटल पर कब कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में लोकसभा के सांसद समारोह में दानव भाजपा के सांसद कलाबेन डेलकर ने शपथ ग्रहण की। दिल्ली में लोकसभा के सांसद समारोह में दानव भाजपा के सांसद कलाबेन डेलकर ने शपथ ग्रहण की थी। 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत में अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विकसित भारत के निर्माण और जन सेवा तथा राष्ट्र सेवा के उत्तम नेम के साथ दादरा नगर हवेली के सांसद कलाबेन मोहन भाई डेलकर ने शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री के इस तीसरे कार्यकाल में 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण और अमृतकाल के संकल्पों से भरपूर बना है और उनकी पूर्ति में सहभागिता करने के लिए सदैव कटिबद्ध रहने का कलाबेन ने उल्लेख किया था। मैं कलाबेन मोहन भाई डेलकर, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बगवाड़ा में हत्या और 40 से अधिक वाहनों की चोरी करने वाले अंतरराज्यीय 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से ₹6.40 लाख का सोना चांदी नकदी स्विफ्ट कार समेत कुल 12.20 लाख का सामान बरामद किया गया। धर्मपुर विल्सन हिल पर बाइक सवारों ने स्टंट किया तो खैर नहीं, पुलिस की चेतावनी। स्टंट करते दिखे तो होगी सख्त कार्रवाई, जैसा एसपी डॉक्टर करण राज वाघेला ने बताया।
पारड़ी तिगरा के दीपक कुमार देसाई को हीरो धीरज कुमार, दिलीप सैन, एसीपी संजय पाटिल ने बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया। दीपक कुमार देसाई को दीप प्रागति के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया, मशहूर हस्तियों के साथ मंच की शोभा बढ़ाई। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ, देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।